हाय गाइस, वेलकम टू सिटी सिमेंटर्स। मैंने भी केतन, फाइनली ये जैक्सम का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आपने बहुत सारे बच्चों ने एक्चुअली ना मेरे हर एक लाइव लेक्चर में आके आपने कहा सर इसका रिव्यू उसका रिव्यू। मेरे ख्याल से 3-4 कॉलेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चे डिमांड कर रहे थे। जैक्सम एक है, देर इज दिस कॉलेज, मेरे ख्याल से IFMR इज देयर, विवेकानंदा इज देयर एंड मुंजुल करके एक बी स्कूल है, राइट। तो यार जितना जितना पॉसिबल होगा उसके बारे में मैं आपको रिव्यूज करूंगा, बट या जैक्सम के बारे में फटाफट से आपको बता दूंगा। थोड़ा रियलिस्टिक रिव्यू करेंगे यार, सीखे सिंपल सी बात। इनके पास बहुत सारे प्रोग्राम है, इनके दो लोकेशन है, एक है बैंगलोर का, एक है मुंबई का कैंपस है। बैंगलोर में PGDM आप कर सकते हो, मुंबई में आप MBA कर सकते हो। दिस इज अ बी स्कूल विच वॉज अर्लियर नोन एज IFIM समथिंग समथिंग। 26 साल पुराना ये इंस्टीट्यूट है, इसके फॉर्म्स अभी तक अवेलेबल है, 30 अप्रैल तक मेरे ख्याल से अवेलेबल है। इसका जो इनटेक है वो राउंड अबाउट 180 बच्चा है। प्रोग्राम इनके पास बहुत सारे हैं, थोड़ी बहुत क्विक एक एनालिसिस कर लेते हैं कॉलेज के, पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में। इसकी ना दो तीन चीजें हैं। अब ये जो यहाँ पे जो ज्ञान लिखा है ना वेबसाइट पे, वो सब करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करेंगे, इतना एक ना टी शेप वाला फंडा है, जहाँ पे कहते हैं कि हम बच्चों को ना थोड़ा टी शेप पर्सनैलिटी वगैरह करेंगे, ग्रुप गेमिंग करेंगे। अभी टी शेप का फंडा क्या है, सिंपल सी बात है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा पॉलिश करके सोफिस्टिकेटेड वे में हम टी शेप कहते हैं। इसका मतलब ये ऊपर वाला जो टी वाला जो है ये, इसका मतलब हर एक चीज़ पढ़ोगे ना, जो जो MBA में आता है सब कुछ पढ़ोगे। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इट मींस एक कोई आप चीज पकड़ोगे जिसको आप इन डेप्थ नॉलेज उसका आप अचीव करोगे, फाइन। तो अगर आप फाइनेंस के बंदे हो, आप फाइनेंस में इन डेप्थ नॉलेज लोगे, लाइक व्हाट इज IB, व्हाट इज वेंचर कैपिटल, व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी, यू नो व्हाट इज यू नो फिनटेक एंड हाउ डज द वैल्यूएशन वर्क, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, डेरिवेटिव, द रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, राइट। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट यू नो द टी शेप वाला चीज, राइट, ये ऊपर का जो है, राइट, व्हेन यू आई मीन हाउ फाइनेंस इज कनेक्टेड विद मार्केटिंग, यू नो हाउ ऑपरेशंस इंपैक्ट फाइनेंस, और यू नो हाउ HR एंड फाइनेंस कैन सिंक टुगेदर, फिनटेक में टेक्नोलॉजी का असर क्या होता है फाइनेंस पे, राइट। ये सब जो चीजें हैं ना, वो एक टी शेप के फॉर्मेट में आपको पढ़ाई जाती है। सो दैट्स द न्यू जार्गन नोरा मार्केटिंग टूल, आई वुड से। तो ये लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। आगे चलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इसके जो करियर ट्रैक फोकस है ना, ये एक नए नए फंडे लेके आए इन लोगों ने, बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इसे मार्केटेक हो गया, मार्केटिंग बेसिकली मार्केटिंग टेक्नोलॉजी विच इज नथिंग बट सोशल मीडिया मार्केटिंग और यू नो सॉर्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग और यू नो हैविंग मार्केटिंग अटैच टू टेक्नोलॉजी, राइट, यू नो अंडरस्टैंडिंग द ऑन अ वेरी लो लेवल अंडरस्टैंडिंग लीड जनरेशन एंड देन यू नो ऑन अ वेरी हाई लेवल इफ यू आर अ CMO एंड आई एम लुकिंग एट अ बिजनेस वेर यू नो द टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू टू काइंड ऑफ रीच आउट टू द यू नो द फाइनल consumer or a client of yours, I think that's what call it as Martech from a bird's eye view, by the way. फिर सेल्स एंड सर्विसेज है, फिनटेक वगैरह, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब चीज ठीक है। एंड दे हैव गॉट सम पार्टनर इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से जिनके साथ ये प्रोग्राम्स होने वाले हैं, बट ये थोड़ी कंसेप्ट नहीं है, बट अच्छा कर रहे हैं। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी चाहिए कि यू नो कॉलेज अच्छा है, बढ़िया है, 25-26 साल पुराना कॉलेज है, कॉलेज की क्रेडिबिलिटी भी है। बट यार इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे लगता है पैकेजिंग बढ़िया से करी है, यू नो। तो ऐसा नहीं है कि यार मार्केट मार्टेक एंड यू नो फिनटेक एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाकी कॉलेजेस में नहीं होता, होता है यार, बाकी कॉलेजेस में भी होता है। इट जस्ट दैट उसको ऐसा नाम नहीं दिया जाता कि यू नो दिस इज मार्टेक करके, सो दे डोंट विंडो ड्रेस इट अप, राइट, द वे आई थिंक यू नो दिस गाइज हैव डन। सो मार्टेक आपको हर जगह पढ़ाया जाएगा, IIM ABC, FMS, KG Somaya, IIM Delhi, New IIMs एंड BB IIMs एंड वेलिंगकर एंड एवरीबडी, राइट, विल बी टीचिंग यू दिस कैन थिंग। जिस दैट इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करा है। सो वॉट इज सो ग्रेट अबाउट इट, द ग्रेट थिंग अबाउट इट इज कि जैक्सम केयर्स अबाउट इट, वो आपको ये करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी की बी स्कूल्स भी कराते हैं तो इनको भी कराना है, नथिंग यू नो रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड एट सच, बट या दे आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव विच इज वेरी वेरी गुड। आगे चलेंगे, अगर हम बात करेंगे PGDM मार्केटिंग मेजर, फाइनेंस मेजर, एनालिटिक्स एंड डिजिटल बिजनेस मेजर है विच इज़ वेरी गुड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो यू नो मेजर। अब देखो इन्होंने यहाँ पे HR में भी टेक डाल दिया, तो इसको HR Tech बना दिया, थोड़े से जार्गन है। पैकेजिंग बड़े अच्छे से करी इन लोगों ने, हर एक चीज़ को थोड़ा शो ऑफ करके यू नो बड़ा चढ़ा के, आई थिंक बट दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। जैक्सम्स 25 years लेगेसी डिलीवरिंग गुड प्लेसमेंट, ओके। AACSB एक्रेडिटेड है, बहुत ज़्यादा पी स्कूल्स होते हैं, बट ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अच्छी है। तो ये बैंगलोर है मेरे ख्याल से, दिस इज बैंगलोर, इज़न्ट इट। आगे चलेंगे फैकल्टी, हाँ जी फैकल्टी के बारे में मैं हैंड्स डाउन मैन, आई मीन दे हैव अ रियली रियली ग्रेट फैकल्टीज, फैकल्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। आप जेनमैन बोलो, आप लीडरशिप बोलो, मार्केटिंग बोलो, फिनेंस बोल दो, डिजिटल मार्केटिंग हो, दे आर रियली रियली गुड फैकल्टीज। यानी मैं ऑलवेज कहता हूँ ना यार, हर एक बी स्कूल एक अच्छा फैकल्टी लेके आता है, तो मेरे ख्याल से फैकल्टी इज गुड। एंड
जहाँ तक बात करेंगे इनके यू नो बाकी के सॉर्ट ऑफ एस्पेक्ट्स के बारे में, तो प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे. प्लेसमेंट्स इनकी ठीक ठाक है, नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट बैड. अगर प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, ये लोग क्लेम करते हैं यहाँ पे मूडीज आता है, मॉर्गन स्टैनले आता है, नेस्ले आता है, ओरेकल इज देयर, लॉरेल इज देयर, बट द पॉइंट इज दैट कि यार कौन सी सॉर्ट ऑफ प्लेसमेंट्स आप देते हो, आप कौन से रोल्स देते हो. 100% प्लेसमेंट है विच इज़ गुड, एवरेज मुझे बहुत कम लगा. इनका इंटेक 180 है, इनकी फीस राउंड अबाउट 15 लाख है, ROI लाइक ओके टाइप्स, हाईएस्ट 16, बहुत कम है. अगर 26 साल पुराना आपका बी स्कूल है, हाईएस्ट शुड भी राउंड अबाउट 22, 23, 25, बिकॉज विवेकानंद जैसा बी स्कूल अगर 20 लाख की हाईएस्ट देता है, वो भी 25 साल पुराना है, तो आई थिंक आपका हाईएस्ट ज़्यादा होना चाहिए. सो दैट्स दैट गाइज. अगर देखोगे फाइनेंस वगैरह में बहुत सारी प्रोफाइल्स है, बट कैटेगोरिकली मेंशन नहीं करा है कहाँ पे प्लेसमेंट्स हो रही है. And admission forms are open. If you want to go ahead with this, you can go ahead with this. बहुत ज़्यादा students activities वगैरह ही करते हैं. अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन बोला है इन लोगों ने. नॉर्मली कह सकते थे कि भाई कमिटीज़ है हमारे पास, तो देर आर लॉट ऑफ कमिटीज बाय द वे. सो थोड़ा सा इन्होंने यू नो अच्छे से अपने आप को यू नो पोजिशन करा है. बट अगेन इट्स अ डिसेंट बी स्कूल, नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट बैड. यू probably want to go for it if you really don't have any other option in life, but then yeah, if you can repeat taking a gap, probably you can get into some decent B school. So guys, that's it from my side. I hope this review helps you. If you like the video, kindly hit like and share with your friends. Bye bye.